वेट कर रहे हैं स्काउट की, जैसे ही टीम इनसेन के प्लेयर्स अंदर आएंगे वो उन्हें टेक डाउन करेंगे। ये लीजिए रनिंग वेकल से शायद शुरू भी कर दिया गया है, आदित्य के द्वारा कुछ उत्ते शॉट्स लिए गए, स्काउट नॉट ओपी अपने हाइट एडवांटेज का भरपूर रूप से फायदा उठाएंगे एंड टीम इनसेन के लिए जो डिफिकल्टीज है वो बढ़ाई जा रही है। बट दूसरी तरफ अगर बात करें कहीं ना कहीं हेक्टर यहाँ पे एक रिवाइवल देते नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर भी एक अटैक देखने को मिलेगा, मल्टीपल रीजन एंड जोन का जो कयास है वो अभी के लिए शुरू होता नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल अभी के लिए फिलहाल अगर बात कर लीजिए केओस की तो काफी ज्यादा मल्टीपल फाइट्स देखने को मिल रही है। टीम एक्सपर्ट हाई ग्राउंड्स का सी बिल्डिंग्स का इस्तेमाल करके बेहतरीन तरीके से ट्रेड निकालेंगे, बट आदित्य एक और प्लेयर को ओपन ऑफ द मैप पे स्पॉट आउट करा, बट साइफर प्ले जोन को अपना फिनिश दे देंगे क्योंकि जो आखिरी बुलेट है आदित्य की वो ऑन टाइम यहाँ पर जो है ऑन पॉइंट रही नहीं, ऑन टाइम ऑन पॉइंट रहने की दरकार थी, अगर आखिरी बुलेट कनेक्ट हो जाती तो एक और फिनिश, चार फिनिशेस करके एक फिनिश का इजाफा कर सकते थे। बट हेक्टर जिस तरीके से गुलाटी मार मार कर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और स्पॉट आउट कर लिया जाएगा चलिए टीम ग्राइंड के प्लेयर्स को भी, और वेल टीम एक्सपार्क एक प्रॉपर 4v4 का ये बैटल रहेगा जहां पर आदित्य यहाँ पर अपने डीएमआर एक्शंस का इस्तेमाल कर सी बिल्डिंग से ऑप्टिक गॉड को जो है वेल टेक डाउन करते नजर आएंगे। टीम एक्सपार्क क्या अपने पहले विनर विनर चिकन डिनर की तरफ यहां पर जो है रुक करती हुई नजर आ सकती है, लेकिन स्काउट नॉट ओपी रिटेलिएशन ट्रेड में उनको भी कर दिया जाएगा टेक डाउन, लेकिन आदित्य यहां पर ऊपर से एक बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल इस समय अदा करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जिसको भी ये प्लेयर स्पॉट आउट कर रहे हैं सही समय पर यहां पर जो है एक प्रॉपर अपना जो टीम वर्क है वो जारी रखना चाहते हैं। ऑफ कोर्स अपना जो टीम वर्क है वो अभी के लिए शोकेस करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, अभी भी हमें वेट करता नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल अगर बात करें आदित्य की तो बिल्कुल अभी के लिए ना होल्ड करते नजर आएंगे, डार्क लॉर्ड की बात कर लीजिए फिलहाल पूरी तरीके से प्रिपरेशन अपनी जो है जारी रखना चाहते हैं, हेक्टर की बात करेंगे अपने ग्रेनेड्स के साथ जरूर यहाँ पर पूरी तरीके से जो काया पलट करेंगे, और बट फिलहाल ये लीजिए हेक्टर का एक ग्रेनेड ट्राई आउट जो कि इकलौता प्लेयर जीवित था उसको यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और अब ये मालूम चल चुका है कि एक प्रॉपर 3v2 का ये बैटल शेडो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड करने वाले हैं कि हेक्टर ये सिमेंट्री के अंदर आ चुके हैं। बट हेक्टर के अपने एक्सपीरियंस के साथ जिस तरीके से ये प्लेयर एक सही ठिकाने में ग्रेनेड बार बार फेंकता नजर आ रहा है, मुझे लगता है अगले ग्रेनेड से शेडो को टेक डाउन कर सकते हैं, बट जी नहीं शेडो एंड डार्क लॉर्ड अपनी पोजीशंस को एक बार वापस से चेंज करेंगे। बट चलिए एक्टर को बिल्कुल भी अता पता नहीं था कि डार्क लॉर्ड अपनी पोजीशन चेंज करके उनके इतना ज्यादा करीब आ चुके हैं और उनको वेल एक्टर को कर दिया जाएगा टेक डाउन एंड एज वेल एज पूरी तरीके से फिनिश ऑफ भी करा जाएगा, और अब ये जो बैटल है वो एक 3v1 में यहां पर जो है तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है जहां पर रेक्टो जी एकमात्र इकलौता प्लेयर जीवित और शेडो विद डेक थॉमसन से आउट परफॉर्म करते हैं, बट आई डोंट थिंक इतना आसान रहेगा। बट दूसरी तरफ स्काउट नॉट ओपी अगर उनकी बात करें काफी शानदार तरीके से बेहतरीन नॉक MP4 से निकालते नजर आ रहे हैं, पहले प्लेयर को भी टेक डाउन किया, दूसरी तरफ मूविंग करेंगे उनको भी टेक डाउन करेंगे, थर्ड प्लेयर अगर बात करें TWOB के शैक के अंदर है क्या? नहीं शैक भाई नहीं, स्मोक भी नहीं है, स्मोक भी नहीं है, क्या स्मोक नहीं है, एक भी नहीं है, फर्स्ट एड ड्रॉप करो सर नीचे कर ले, रेज के लेफ्ट भाग रहा हूं ठीक है मैं भाग हमें इधर क्या भाई बच गया और नाइस मेरे पे आ गया पूरा लेफ्ट साइड से घूम गया दूर देख रहा है हां पूरा लेफ्ट नीचे ये लेफ्ट में और अच्छा नहीं क्रेट पे क्रेट है नहीं अकेला बचा दो बचे थे रे उनको डाउन किया जाएगा
कोशिश निकल कर हमारे सामने जरूर आई, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर देखने के लिए मिली है। यहीं पर अब आगे जाकर काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन ये पर नियो को डाउन किया, दो फिनिशेस आराम से ये टीम हमारे सामने लेकर चली गई है। एंड अच्छी शुरुआत जरूर टीम सोल के लिए हुआ, बिना किसी दिक्कत के दो फिनिशेस इस टीम के खाते में चले गए हैं। एग्जैक्टली दो फिनिशेस सिक्योर कर लिए गए हैं टीम सोल के द्वारा, एंड अब चारों ही प्लेयर्स आराम से इन पीटीओ को लूटेंगे एंड देन उसके बाद आगे अपना कारवा ले जाएंगे, बिकॉज सर सामने आ जाती थी, बट अभी भी एक अच्छी पोजीशन पर ये टीम हमारे सामने आकर खड़ी हुई है और सिचुएशन अच्छी निकल कर जरूर आने वाली है। एंड टीम्स के दिमाग में प्रॉपर इस चीज़ का फोकस जरूर है, बट अगर आप भी चाहते जितने भी ने यहाँ पर पूरा पूरा फायदा उठाया है जिस तरीके से जीसी इस गेम में खेल रहे हैं, अगर आप भी फ्लेक्स करना चाहते हैं, आप भी ऐसी ग्लेशियर चमकाना चाहते हैं लॉबी के अंदर, तो जल्दी से जल्दी आप भाई यार गलत गलत टाइम पे इतना गलत गलत नोक लेते हो ना भाई तुम लोग, वो मेरे को बहुत चिढ़ मचती है। इधर तो नहीं देख रहा भाई, भाई वही साइड गए थे देव, कोई इधर ही है भाई, मेरे को लगा ही था यहां पे आराम से, आराम से टाइम पे खड़े थे, अरे एक एचपी था भाई, मेरे को दिखा ही था यहां पे, मेरे को दिखा था यार यहां पे बंदा, मार क्या करें हम यार, अकेला बंदा अकेला बॉल पे है, ऊपर हो रहा हूँ, ऊपर रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पानी में मरो मत भाई, इधर आ, इधर आ रहे तुम, तब तो तू मर जाएगा, तू मर जाएगा भाई, 1 एचपी है तू बेटे, अरे इधर जल्दी, इधर जल्दी, इधर बहन का पुरु के भाग रहे, अबे यार चूतिया है नहीं हो यार तू, मां कसम भाई, अबे मैं क्या हो रहा है, अरे कुछ नहीं लोग अभी इसका विलेज में है, स्लैम हो गया, मार दिया इसको जो आया था, सही है, वॉच आउट, नाइस है, कौन मार रहा है मैं नहीं पता, मेरे से बात करा उसकी, ये बहुत सड़ी का ड्रीम जा रखा है जहाँ पे मैंने बताया था, फिर और इनका मार रखा है बे, पीछे 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 कर टच, इधर पीछे नेट कर दो ना सामने भाई, तुम अपने यार फाड़ दो, तो हील हुआ, रुक चल करते हैं, वो भी नेट कर रहा है, इनका एक मार रखा ऑलरेडी सभी, लेफ्ट में गाड़ी के लेफ्ट में बन रहा है, कर रहा नहीं भैया, हाइड्रा का छाट सा प्लेयर सामने से गया बार बार, यार तुम लोग बहुत गंदे हो, एक और नॉक लास्ट, बहुत ही ज्यादा गंदे हो।